अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैथ 302 का लेक्चर नंबर 13 करेंगे, जो कि स्टार्ट से मेरी सारी वीडियो देखते आ रहे हैं, उनको उनकी केमिस्ट्री काफी हद तक मेरे साथ मैच कर गई होगी और उनको तो एक्सेल भी काफी हद तक समझ आ गया होगा। तो अभी जैसे जैसे आपके फीडबैक आता जा रहा है, तो उस तरह मैं ज्यादा मेहनत के साथ लेक्चर बनाता जा रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट में हम 13 लेक्चर में करना क्या चाह रहे थे, पहले ये मैं बताना भूल गया आपको कि मार्क डाउन, मार्कअप पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, तीन चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले हम मार्कअप के फार्मूलाज स्टडी करते हैं। फार्मूलाज में आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आपको के लिए बहुत इजी हो जाए। अच्छी, सेलिंग प्राइस। मार्कअप क्या होता है कि जो आपने एक चीज खरीदी है किसी भी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, आप किसी से लेके आए कोई चीज, तो आपने आगे जब बेचनी है तो उसकी एक सेलिंग प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना आप लगाना चाह रहे हैं अमाउंट, वो मार्कअप होता है, ठीक है। तो अभी हम मार्कअप लगा के सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहे हैं। सपोज के पहला फार्मूला देखें, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, ठीक है, कि हमें कितने की चीज ली है। एमयूसी है, जो ये परसेंटेज मार्कअप कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास सपोज के आपने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी और आप उसको बेचना चाह रहे हैं 10% ऑफ 50 रुपीज, या ऐसे कर लेते हैं 100 की चीज खरीदी, आप 10% पे बेचना चाह रहे हैं, कि आप 10% उस पे सेलिंग प्राइस 10% अबव पे आप फिक्स करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, 10% मार्कअप ऑन कॉस्ट क्या होगा, 10%, ठीक होगा। पहला फार्मूला तो ऐसे है। फिर दूसरा फार्मूला ये है कि सेलिंग प्राइस के को हमने यहां से कॉमन निकाल लिया दोनों से, और 1+% मार्कअप ऑन कॉस्ट कर लिया। अच्छा, दो तरीके होते हैं, अगर आप परसेंटेज मार्कअप जैसे 10% मैंने बात की अगर दिया हो, तो या तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करें, फिर कॉस्ट के साथ ऐड करें उस अमाउंट को। एक ये कि आप कॉमन निकालें, जैसे हम मैथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं, तो आप 1+ करके वो कर लो, जैसे 10% अगर हो तो 1+1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला ये है। रुपीज मार्कअप ये होता है कि जैसे आपने 100 की चीज खरीदी, आप उसको ना 110 पे बेचना चाह रहे हैं, तो आप वो अपने मुलाजमों को कहते हैं बस इसके साथ ना 10 रुपये ऐड करते जाओ, जितनी अमाउंट है, जितनी भी चीजें हैं इनके साथ 10 रुपये ऐड करते जाओ। तो ऐसी ऐसे मार्कअप को रुपीज मार्कअप कहते हैं, कि आप कोई परसेंटेज नहीं बता रहे, आप फिक्स अमाउंट बता रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मार्कअप के हमने फार्मूला पढ़े हैं, तो मार्कअप का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, हैंडआउट के में इस तरह की सीक्वेंस नहीं है, मैंने ये लेक्चर खुद से उसको सीक्वेंस चेंज किया ताकि साथ साथ प्रैक्टिस भी होती है। अच्छा, गोल्फ शॉप पेज इट्स होलसेलर, होलसेलर को 2400 का एक चीज बेच रहा है, 4500 खरीद रहा है होलसेलर से और 4500 की बेच रहा है। अब मार्कअप रेट, अच्छा याद रखिए, मार्कअप रेट सिंपल बताया कि मार्कअप ऑन सेल या कॉस्ट नहीं बताया। जब भी इसमें मार्कअप का वर्ड आए, तो आपने याद रखना, मार्कअप जब आप मार्कअप कैलकुलेट कर रहे हो, मार्क डाउन नहीं, मार्कअप जब कैलकुलेट कर, तो मार्कअप ऑन कॉस्ट समझे इसको, मार्कअप ऑन कॉस्ट वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। पहले रुपीज मार्कअप कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 4500 माइनस करिए 2400, ठीक हो गया जी। देन फाइंड द रिलेटिव मार्कअप ओवर द ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब आसान लफ्जों में ये कहना चाह रहा है कि मुझे मार्कअप ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करके, तो ओरिजिनल प्राइस वही होती है ना जो कॉस्ट होती है। अच्छा जी, 4100 हमने रुपीज मार्कअप कैलकुलेट किया, और डिवाइड किससे कर दिया हमने, जो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट प्राइस थी 2400। तो अभी आप फार्मूले पे समझ आई कि मार्कअप ऑन कॉस्ट क्या चीज हुआ, कि जो आपने उसकी रुपीज मार्कअप उसके ऊपर लगाया, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो लगाया, तो इस वजह से परसेंटेज मार्कअप कॉस्ट, ठीक है। तो आंसर 87.5%। अच्छा जी, अगले कुछ फार्मूले हैं उसी की एक्सटेंशन है, जो पहला फार्मूला था हमने पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लीकेशन की थी हमने परसेंटेज मार्कअप ऑफ ऑन कॉस्ट के साथ, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट आप दूसरी लाइन में देखे कि मैंने कॉस्ट को उठा के इक्वल के दूसरी साइन पे लेके माइनस साइन चेंज कर दी। दूसरा ये येलो था, येलो ही रखा और सारा वैसे का वैसे। आपने ये पढ़ा सेलिंग प्राइस में इस माइनस कॉस्ट प्राइस करें, तो पीछे हमने पढ़ के रुपीज मार्कअप इस फार्मूले को कहते हैं, तो इसकी जगह रुपीज मार्कअप इंटर कर दिया, ठीक है। इसको वैसे का वैसे मैं नीचे ले आया, ठीक है। एक्चुअली मैं फार्मूला आपके साथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ आपके लिए, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट के लिए, ठीक है जी। पीछे जो एग्जाम्पल मैंने पढ़ी है, वो तो रुपीज मार्कअप से स्टार्ट हुई और आगे चलती गई ना, रुपीज मार्कअप भी था उसमें, परसेंटेज मार्कअप जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया। अभी इसको फार्मूला मैं आपको थोड़ा ड्राइव करके दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी रहे अगर आप पेपर में भूल भी जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रुपीज मार्कअप इसका इधर से मैं कॉस्ट लाके कॉस्ट प्राइस डिवाइड कर दी, इज इक्वल टू ये इधर ही रखा, परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ये फार्मूला बन गया परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ये वाला फार्मूला बन गया रुपीज मार्कअप डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसको मैंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने मैथ टाइप यूज किया, मैथ टाइप की मेरी वीडियो अलग से, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, मैथ टाइप भी यूज करना सीख लें, ठीक है। और एमयूसी जो मैं कहता आ रहा हूँ,
उसका मैं लिख के आपको दे दिया कि मार्कअप और कॉस्ट है, जब भी MUC आए तो मार्कअप कॉस्ट समझा जाए, ठीक है। ये फार्मूला अभी ये चौथा फार्मूला होगा, तीन फार्मूला पहले पढ़ लिया, चौथा। अभी हमने क्या करना है, अभी हम सबसे पहले मार्कअप की जैसे एग्जाम्पल करेंगे, जो कि हम फार्मूला पहले सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज मार्कअप कॉस्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, वो मार्कअप दे रही है 40% का, और सेलिंग प्राइस क्या मालूम करो, अगर कंप्यूटर गेम की जो प्राइस है वो है 1500 रुपये, ठीक है। अब 1500 रुपये उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट के ऊपर 40% ने लगाना है, ठीक है। मैंने कहा था मार्कअप रेट जब लिखा हो तो मार्कअप कॉस्ट समझे, जब मार्कअप कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया जनाब 40%, 40%। तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और ये सिंपल आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, मैंने बड़ी साफ सुथरी कैलकुलेशन कर दूं ताकि आपको टाइम हमारा वेस्ट ना हो। अगला फार्मूला भी देखते हैं, फार्मूले मैं आपको समझाता जा रहा हूं। अभी पहले हद तक हम पढ़ रहे थे मार्कअप ऑन कॉस्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, मींस कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट की ऊपर कुछ परसेंटेज लगा देना। अभी वो कहता है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई परसेंटेज लगाए, हालांकि मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने एक चीज की कॉस्ट है आपके पास और आप सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के ऊपर वो ये फार्मूला दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम वैल्यूज दी होती, दो वैल्यूज दी होती, तीसरी निकल ही आती है। तो नॉर्मली ये फार्मूला आप रियल लाइफ में भी इतना यूज नहीं करेंगे, जैसे आपके पास एक कॉस्ट है तो आप कॉस्ट के ऊपर थोड़ी आप सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकाल के बैठे होते, तो मुश्किल होता है। खैर हमने प्रॉब्लम करना है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई मार्कअप ऑन सेल, ठीक है। अभी जो सेल प्राइस होगी उसका मार्कअप कुछ बता रहे हैं कि इतने परसेंटेज लगा दो, हालांकि वो हमारे पास प्राइस होती नहीं है जब हम बेच रहे होते चीजें। तो कॉस्ट प्राइस हमने, कॉस्ट प्राइस को मैंने इधर ही रखा समझो, कि इसको मैं उठा के उधर जब लेके आया, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मार्कअप ऑन सेल बन गया। सेलिंग प्राइस को जिस तरह पिछला हमने फार्मूला किया था कॉमन लेने के वाला, सेलिंग प्राइस 1 माइनस मार्कअप ऑन सेल हमने कर लिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस रुपीज मार्कअप, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर रुपीज मार्कअप लगा देना, ये सेलिंग प्राइस से भी निकल, जैसे वही कहते हैं अगर आपने 50 रुपए की चीज है तो आप 60 की बेचने जा रहे हैं, उसे आप मुलाजम को कहते हैं 10 रुपए लगा दे इसके ऊपर, तो वो रुपीज मार्कअप आप बता रहे होते हैं। तो अगर आप सेलिंग प्राइस 60 माइनस 50 करें तो फिर भी रुपीज मार्कअप आ जाता है। फार्मूला को थोड़ा रिकॉल आपको करवाऊँ, थोड़ा कंफ्यूजन इधर आपको हो सकती है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जब मार्कअप ऑफ कॉस्ट दिया तो 1 प्लस आपने मार्कअप ऑफ कॉस्ट करना है। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मार्कअप, मार्कअप ऑफ सेल दिया हो, सेलिंग प्राइस भी दी हो, तो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस 1 माइनस मार्कअप ऑन सेल। अच्छा याद रखिए कि अगर फर्ज करें आपको मार्कअप ऑन सेल देता है और कॉस्ट प्राइस देता है, फिर हम निकाल लेंगे, डेफिनेट हम निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर देंगे इसके साथ सेलिंग प्राइस। तो फार्मूले को आपको आगे पीछे करना आना चाहिए। मार्कअप क्या है, मार्कअप इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज कॉल्ड रुपीज मार्कअप, ठीक है। अच्छा जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये उसके मैंने अलग फार्मूले, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्लस रुपीज मार्कअप, रुपीज मार्कअप इज इक्वल टू परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट लगाया और कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, रुपीज मार्कअप हमने वो फार्मूले के बीच में जो लिखते आ रहे हैं ये वाला पोर्शन, किधर गया, थोड़े मुझे बैक जाना पड़े, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका अलहदा से रुपीज मार्कअप से भी निकल आता है, ठीक है जी। तो हम दोबारा फार्मूले पे आते हैं, ये वाला सेकंड फार्मूला वही है। तीसरा फार्मूला रुपीज मार्कअप क्या है, मार्कअप ऑन सेल सेलिंग प्राइस, मतलब एक अगर आप कॉस्ट परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन कॉस्ट दिया हो और पास आधी कॉस्ट प्राइस दी हो फिर भी मार्कअप सेल रुपीज मार्कअप निकल आता है, अगर मार्कअप सेल दी हो और सेल सेलिंग प्राइस ही दी हो फिर भी रुपीज मार्कअप निकल आता है। चलिए जी आगे चलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टन आइटम, अगर रुपीज मार्कअप, बड़ा सोखा सा जो आसान सा जो है इजी सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 80 पीसी प्राइस कोई भी आइटम दे, सर्टन आइटम कह रहा, कोई भी आइटम है वो सेलिंग प्राइस उसका 100, सिंपल 100 माइनस 80 करेंगे 20 आ जाएगा। फार्मूला हमने पीस मार्कअप को पढ़ लिया, ये एक्सेल एक्सेल पार्ट है, जिन्होंने मेरे साथ एक्सेल करते आ रहे हैं उनको पता है ये प्लस माइनस वाला, तो एक्सेल में हम एक्सपर्ट हो गए, बहुत ईजी है, हम इजिली इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दूसरा मार्कअप वाला वही फार्मूला, उसको जो आपने मैथ के अंदर जो फार्मूला यूज किया ना वही एक्सेल के अंदर अप्लाई करना, आपको मैं अप्लाई करना पहले भी काफी हद तक बता, काफी मैथ एक्सेल बता दिया, आगे भी आएंगे, आगे भी आ जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ईजी है, इसका अलग पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे मार्कडाउन की, मार्कडाउन क्या चीज है, मार्कअप होता है कि आपने मार्कअप बताता है मैन्युफैक्चरर रिटेलर लगा रहा होता है, ठीक है, आपको आपसे आपको चीज बेचने के लिए। मार्कडाउन जो है जब आप सपोज के स्टिमुलेट डिमांड, डिमांड किसी चीज की बढ़ गई है, ठीक है, डिमांड बढ़ने की स्टिमुलेट डिमांड में डिमांड को बढ़ाने के लिए आप डिस्काउंट देते हैं, आप इसको नार्मल डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्काउंट है, इसमें थोड़ा फर्क है।
मार्कडाउन हो गया, टेक द एडवांटेज रिड्यूस कॉस्ट, अगर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तो तब आप भी मार्कडाउन लगा सकती हैं। फोर्स कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट मींस कंपेटिटर, कंपेटिटर मतलब आपके मुकाबले में किसी ने दुकान डाली है तो आप अपनी चीजों की प्राइस कम करके, प्रॉफिट मार्जिन कम करके आप कोशिश करके उसको मार्केट से निकालो, उसकी दुकान बंद करो, ये वाला मार्ग। तीन तीन मतलब बेसिस पे ये मार्कडाउन दिया जाता है। मार्कडाउन का कैन बी एक्सप्रेस है, दो तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, दो तरह से इसके टाइप्स हैं, परसेंटेज ऑफ करंट सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्कडाउन देखिए, कोई आपकी सेल प्राइस पर 100 रुपया चीजें बेच रहे हैं तो आप अगर उसका कुछ परसेंट, जैसे 10% आप उसको डिस्काउंट लगा देते हैं तो वो क्या 90 की रह जाएगी, तो ये वो वाला फार्मूला लगेगा इधर, ठीक है। आगे फार्मूला पढ़ते हैं। रुपीज मार्कडाउन सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल जो आप प्राइस पे बेच रहे थे वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं न्यू सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी करंट सेलिंग प्राइस जिस पे भी आप अभी बेच रहे हैं, ठीक है। और आप उसके साथ कुछ परसेंटेज लगा के उतना माइनस करते हैं, जैसे 100 की अगर बेच रहे हैं पहले तो आप 10% डिस्काउंट मार्कडाउन देना चाह रहे हैं, तो फिर 10 रखें 100 इधर रखेंगे, फिर 100 रखेंगे माइनस करके, और उसको परसेंटेज का समझ करेंगे, एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। न्यू सेलिंग प्राइस का दूसरा फार्मूला हमें क्या करना है, करंट सेलिंग प्राइस को जस्ट कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, तो आपने 1 माइनस परसेंटेज मार्कडाउन आ जाएगा, ये दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला रुपीज मार्कडाउन का, जो कि बहुत ही आसान होता है, करंट सेलिंग प्राइस, ठीक है, और रुपीज मार्केट में जितने कब लगाना चाह रहे हैं, जो सपोज कि आप 100 की चीजें बेच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 10 रुपए का लोगों को मैं मार्कडाउन दूं, तो आप उसमें से माइनस करें तो 90 बच जाएगा, तो ये वाला फार्मूला है। अच्छा, रुपीज मार्केट निकालने का ये भी एक फार्मूला है जो कि ये वाला है, ये भी तो मेरी रुपीज मार्केट में करंट सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया परसेंटेज मार्कडाउन के साथ, तो ये एक्चुअली ये रुपीज मार्कडाउन ही नहीं कर रहा है इधर से, ठीक है, तभी तो रुपीज माइनस हो रहे हैं। मार्कडाउन की एक एग्जाम्पल लेते हैं इधर, एन आइटम ओरिजिनली प्राइस, अच्छा ओरिजिनली प्राइस लिखा हो या करंट सेलिंग प्राइस लिखा हो, दोनों एक ही बात है। मैंने नीचे लिखे कैलो में लिख दिया 3300 का करंट सेलिंग प्राइस, मैंने इधर लिख दिया करंट सेलिंग प्राइस, ठीक हो गया। मार्क 25% ऑफ, अच्छा जी, इधर फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाला है, मार्क डाउन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज मार्क जो 20% दिया जाएगा ना, ठीक है, तो आपको मार्क डाउन दिया, तो वो याद रखिए वो सेलिंग प्राइस का होगा, जब मार्क अप कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होगा, जब जिक्र नहीं किया होगा तो, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस मींस क्या कह रहा है कि न्यू जो शेयर प्राइस मतलब करंट सेलिंग प्राइस जिस पे बेच रहे हैं उसके बाद क्या एक प्राइस बचेगी, फाइंड द मार्कडाउन, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या है करंट सेलिंग प्राइस, क्या है 3300 और मल्टीप्लाई कर देना है मार्कडाउन निकालेंगे 25% के साथ, ठीक है, तो 825 आ जाएगा। तो ये वाला जो जो है व्हाट इज द सेल प्राइस, वो यहाँ पे जो लिखना जो है मैं भूल गया हूँ, तो आपने क्या करना है मैं आपको कर दूँ, चलिए मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। इसको मैं सेल प्राइस क्या बनेगी, ठीक हो गया जी, सेल प्राइस तो 33 में से माइनस कर देंगे 825, ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये, तो अभी हम इसको कैलकुलेटर से अभी चेक करके तो हम इधर लिख देते हैं 33 माइनस 825, ठीक है, 2475, ठीक हो गया जी रुपीज। चलिए जी, हम अभी दोबारा चलते हैं, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए, तो ये आ गया 2475, ठीक हो गया जी। सेल प्राइस ये वाली नई आ गई एक्सेल प्राइस, जिसपे अभी आप बेचेंगे, ये वही एक्सेल वाली शीट है, अभी आ गया ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं बार्गेनिंग के दौरान जितना आप डिस्काउंट ले लेते हैं ना, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट उसमें मार्कडाउन में फर्क आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाकर समझ आए कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो इंटर नहीं होता, तो इस वजह से पीछे के जो नाम डिफरेंट है तो पीछे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फार्मूला मैं आपके लिए किया कैलकुलेट, रुपीज ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट। अच्छा, जब भी आप किसी दुकान पे जाते हैं वो जो समझ लें कि वो जो एक प्राइस आपके मुंह से बोल देता है कितने भी की मैं आपको बेचूंगा, वो समझिए उसकी लिस्ट प्राइस है। वैसे तो आप जैसे सब्जी वाली दुकान पे चले जाएं, किसी मार्ट पे चले जाएं, वो वहां पे उनके अगर आप कहेंगे ना कि मुझे लिस्ट प्राइस दिखाएं, तो आपको एक लिस्ट निकाल के दे देंगे, ठीक है जी, ये लिस्ट प्राइस है। या आप चाय की डब्बी लेते हैं तो उसके ऊपर भी प्रिंट होता है छोटा सा रिटेल प्राइस, तो वो लिस्ट प्राइस समझे उसको, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट को मल्टीप्लाई करना है लिस्ट प्राइस के साथ, ठीक है, तो ये रुपीज ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा कितने का आपको मिला। जैसे आप किसी डाइनर स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा था मैं, चलिए आप डाइनर की शॉप पे गए हैं तो आपको कह रहा कि आपको 30% डिस्काउंट देता हूँ, और इसकी जो जो प्राइस है वो कोई जैसे 100 रुपीज है, तो आपको वो 30 रुपये छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो
तो इसका मतलब ये होगा 70 का आपने, तो नेट प्राइस क्या निकलेगी, लिस्ट प्राइस ठीक है माइनस पीस रेट डिस्काउंट। तो आपने परसेंटेज को लिस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके निकालना है, एल कॉमन लेके। तो ये फार्मूला आपने एल माइनस वन डी वाला फार्मूला याद रखना। अच्छा इसकी टाइप दो होती है, सिंगल ट्रेड डिस्काउंट जो कि ये अब सिंगल ट्रेड डिस्काउंट वाला फार्मूला है, मल्टीपल और सीरीज डिस्काउंट। जैसे आपने आपने जैसे सपोज के आपने ना 2 किलो एप्पल लिए ठीक है, आपको वो कहता है जी 100 रुपए के, और वो बन गए 200 पीस, 100 रुपए केजी। वो आपको कहता है कि अगर आप 3 किलो लेंगे ना तो मैं आपको 10 रुपये और छोड़ दूंगा ठीक है। फिर कहते हैं अगर आप 5 केजी लेंगे तो आपको मैं 20 रुपये छोड़ दूंगा ठीक है। तो ये जो सीरीज ऑफ डिस्काउंट है, मतलब ऊपर जैसे 2 किलो लिए तो आपको 100 के लगा रहा है, तीसरा किलो लेंगे तो 90 का लगाएगा, तो टोटल बिल 290 बनेगा 3 केजी ले लेंगे। अब आपने वो कह रहा है कि 5 केजी लेंगे तो आप 80 के लगाओ ऊपर वाले 2 किलो, तो ऐसे करके ऊपर वाले चौथा और पांचवा केजी जो मिलेगा वो आपको 80 रुपीज का मिलेगा। तो ये सीरीज ऑफ डिस्काउंट की एग्जाम्पल है। जो मैं बोलता हूँ वो थोड़ा सा गौर से सुना करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्राइस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 3000 है, ऑफिस इक्विपमेंट कुछ भी लगा लें, मैन्युफैक्चरर ऑफर्स 30% डिस्काउंट उस पर दे रहा है। तो क्या है सिंपल फार्मूला, नेट प्राइस निकालनी है कि कितने का वो हमें मिलेगा, एल माइनस एल डी। मैंने फार्मूला दोबारा लिखा है, सॉरी इसको मुझे इधर कॉमन करना था, मैं एक्चुअली इसको ऐसे करना चाहता ठीक हो जी जी ये ठीक हो गया, थोड़ा मुझे बना के ये एग्जाम्पल पे ठीक है जी, फ्रैक्शन कर दी मैंने। अच्छा जी आप 1 माइनस 30% को 1.3 भी लिख सकते हैं आप ठीक है, और इसको 1 माइनस जब 0.3 करेंगे तो 5 से 7 बच जाएगा और 2100 आए। ये तो तुमने नेट प्राइस बता दी, करेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट अलहदा से बताओ, अलहदा से बताना तो भाई ठीक है बता दे, डीएल कर लो, डीएल 0.3 मतलब 30% और एल 300 900 बन गया ठीक हो गया जनाब। माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छे तरीके से 13 लेक्चर कर लिया है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें बची तो नहीं है। वैसे अगर कोई बची है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, इंशाल्लाह आपके उस इशू को भी हम टेकअप करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।